नमस्कार, आज हम सीखेंगे कि ऑसिलोस्कोप सीआरओ हो या डीएसओ हो, उस पर एक्स वाई प्लॉट कैसे देखते हैं। सीआरओ या डीएसओ के स्क्रीन पर हम दो तरह का प्लॉट देख सकते हैं, एक होता है टाइम प्लॉट, दूसरा होता है एक्स वाई प्लॉट। एक्स वाई प्लॉट आज हम सीखेंगे। टाइम प्लॉट में क्या होता है, यहां देखिए दो चैनल हैं हमारी, ये दोनों इनपुट हैं और ये टाइम स्केल है। तो टाइम प्लॉट में क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल स्केल है वो टाइम होता है और जो वर्टिकल स्केल है उसमें चैनल वन या चैनल टू का वोल्टेज होता है या दोनों का होता है। जैसे यहाँ पे हमने अभी स्क्रीन पे दिखाया नहीं है, दो वेव शेप दिखाए हैं, ये चैनल वन का है, ये चैनल दो का है और ये वोल्टेज है और हॉरिजॉन्टल में टाइम है। एक्स वाई प्लॉट में ये टाइम यूज नहीं करते। अब एक्स वाई प्लॉट देखते हैं क्या होता है। एक्स वाई प्लॉट में जो एक्स एक्सिस है वो टाइम नहीं होता, वो किसी एक चैनल का वोल्टेज होता है। हमारे केस में जो एक्स है वो चैनल वन का वोल्टेज है और वाई चैनल टू का वोल्टेज है। मतलब एक्स ये रेड वाला जो कि हमने यहाँ दिखाया है, एक्स चैनल वन और ये वाई, अभी हमने एक्स वाई सेट नहीं किया है, ये दोनों वेव शेप ये हैं और ये लाइनें अभी आपको दिखाएंगे। ये जो एक्स वोल्टेज है ये एक वोल्ट से आठ वोल्ट जा रहा है और वाई दो से छह जाता है, फिर वापस आ जाता है दो, फिर छह जाता है। अब हम एक्स वाई मोड सेट कर देते हैं। कुछ स्कोपों में बटन यहां होता है, हमारे में यहां है, तो एक्स वाई मोड हमने सेलेक्ट कर लिया। आप देखिए ये दो लाइनें आ गई, ये एक्स वाई प्लॉट है, मतलब ये टाइम प्लॉट एक्स वाई में ऐसा बदल गया। अब ये कैसे आया ये मैं दिखाता हूं आपको। हमने छह पॉइंट लिए हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक्स के केस में ये डिस्टेंस 1 वोल्ट है और ये 8 वोल्ट है, वाई के केस में ये 2 वोल्ट है और यहां से यहां तक 6 वोल्ट है, 2 से 6। अब पॉइंट 1 देखिए, पॉइंट 1 में जो एक्स है वो 8 वोल्ट है और जो वाई है 2 वोल्ट है, तो 8 2 हुआ ना, 8 2 ये 8 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट, तो ये पॉइंट 1 हुआ। पॉइंट 2, पॉइंट 2 में एक्स 8 वोल्ट है और वाई 2 और 6 के बीच में करीब 4 वोल्ट होगा, तो 8 4, ये 8 4, ये 8 वोल्ट हुआ, ये 4 वोल्ट हुआ, तो ये पॉइंट 2 हो गया। इस प्रकार पॉइंट 3, एक्स अभी भी 8 वोल्ट है मगर वाई 2 से 6 हो गया, तो 8 6, ये 8 है ये 6 है। मतलब 1 2 3 हर पॉइंट पर जो एक्स की वैल्यू है 8 वोल्ट है, इसीलिए ये 8 वोल्ट है, हर पॉइंट पर 8 वोल्ट, मगर वाई की वैल्यू बढ़ रही है, तो यहां से यहां तक एक्स कांस्टेंट है मगर वाई बढ़ रहा है, तो ये लाइन ये और ये मिलके आ रही है। इसी प्रकार 4 5 6 में क्या है, एक्स की वैल्यू हमेशा 1 वोल्ट है, 4 5 6 में 1 वोल्ट एक्स की वैल्यू, देखिए यहां भी 1 वोल्ट है, यहां भी, यहां भी, ये। और वाई की वैल्यू 4 पे 6 वोल्ट है, 1 6, 5 पे क्या है, एक्स है 1 वोल्ट, वाई है यहां बीच में 4 वोल्ट हो गया, तो 1 और 4, और 6 पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 1 वोल्ट है और वाई की 2 वोल्ट, तो 1 और 2। तो इस ड्यूरेशन में यहां से यहां तक एक्स वही है 1 वोल्ट, एक्स की वैल्यू वही है 1 वोल्ट, मगर वाई की वैल्यू कम हो रही है, 4 पॉइंट पे ज्यादा थी, फिर 5 पे कम हुई, फिर 6 पे और कम हुई, 4 पे ज्यादा थी, फिर 5 पे कम हुई, फिर 6 पे और कम हुई, तो ये वेव शेप ऐसे आ गए। अब हम आपको चैनल बदल देते हैं सिग्नल। एक्स वाई प्लॉट में क्या करते हैं, जो स्केलिंग है एक ही रखते हैं अक्सर वाई की, आप बदल भी सकते हैं,
ये शिफ्ट हो जाएगा। अब हम बदल देते हैं चैनल, देखिए क्या आता है। देखिए ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई। अभी हमने एक्स को वाई कर दिया, वाई को एक्स कर दिया। अब ये वाई है, वाई फिक्स है और एक्स चेंज हो रहा है, हमने इन रिवर्स कर दिया है। तो वाई फिक्स है, यहां पे देखिए ये वाई है ना, तो वाई हर पॉइंट पे दो लेवल, या तो ये 1 वोल्ट है या 8 वोल्ट है, मगर एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। आज यही समाप्त करते हैं।